अब देखें कि फिरौन ने अपने बारियों को, अपने साथ रहने वाले जादूगरों को क्या हुक्म किया कि सफ बांध कर आ जाए। अब इसे पता चलता है कि चल, पहले उन्होंने कहा अजमियों, अजमियों का मतलब होता है चाल को पुख्ता करना, पुख्ता इरादा करना, ठीक है। तो ये तजब्जुब और इख्तलाफ छोड़ो और मैदान में आओ। किस तरह आओ? मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, और अपना इरादा पुख्ता रखो, खुफिया तदबीर अपनी पुख्ता रखो कि मूसा को आपने शिकस्त देनी है। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सफ बांध कर आओ। ये जो डिसिप्लिन के साथ किसी के सामने आना, ये अगले बंदे के की पर्सनैलिटी को रोबदार बना देता है। क्योंकि आप इमेजिन करें कि जब आप और वैसे भी ऐसे डिसिप्लिन के साथ जो खड़े हों लाइन बनाकर, उनके सामने जाकर बात करने से ना कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है बाज़ बार। आप ऐसे किसी के सामने बात करें मजमे में तो वो बड़ा इजी होता है, जब सारे आपको बड़े इनमाक से सुनते हैं। जैसे आप असेंबली, आपको याद होगी बचपन की, जब असेंबली में आपको, जब आप अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप एक दो दफा स्टेज पे जाते हैं और सबको देख कर एक दफा आपका दिल थोड़ा सा परेशान होता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो जो डिसिप्लिन होता है जिंदगियों के अंदर, वो सामने वाले की जिंदगी में सामने वाले पर रोब पैदा करता है। तो एक चीज हमें ये सीखने को मिलती है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि डिसिप्लिन, हम चाहते हैं कि हमारा एक रोब हो, हमारी एक दबदबा हो, हमारी बात में तसीर हो, और हम लोगों को गाइड कर सके अच्छे तरीके के साथ, मतलब क्वालिटीज हो। तो अपनी डिसिप्लिन पैदा करें। आपके ग्रुप्स बने हैं ना, तो जितना आपके ग्रुप्स के अंदर डिसिप्लिन होगा, उतना आपके अंदर आने वाले जो नए लोग हैं उनको आपको समझना आसान होगा, और वो आपके सामने, जब आप उनके सामने आएंगे तो आपकी एक अच्छी तस्वीर उनके सामने पेश होगी। जब आपको कोई चेक करता है, जब डिसिप्लिन वाले इंसान को चेक करना इजी होता है, क्योंकि उनके हर काम जो है वो एक वक्त पर होता है। तो अगर आप ग्रुप लीडर्स की तरफ से कोई थोड़ी बहुत मशक्कत लगती है कि जी हमें ये कहा जा रहा है, इस तरह से करने को कहा जा रहा है, तो आपको करना चाहिए, ठीक है, सफ़ा। और ये जो कयामत के दिन भी ना, यो मैं रूह वल मलाइकतु सफ़ा, कि जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ बनाकर खड़े होंगे, तो उस दिन भी रोब होगा बहुत ज्यादा सन्नाटा, और सफे बनाई होंगी फरिश्तों ने, बहुत ज्यादा होंगे सब फरिश्ते। तो एक और चीज हमें लाइफ लर्निंग के लिए क्या मिली? डिसिप्लिन इंसान की जिंदगी के अंदर रोब और क्वालिटी पैदा करता है। आप इमेजिन करें, एक मैदान लगा हुआ है, तो वहां पे एक तरफ इतने ज्यादा लोग वेल मैनर्ड डिसिप्लिन के साथ खड़े हैं, और एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम अकेले खड़े हैं। क्या हालत हो रही होगी मूसा अलैहिस्सलाम की? आप ये ना देखें कि उनको लग रहा ने मोजज़ात दिए, नबी थे, अभी सेकंड डे था, यानी पहले एक दफा उन्होंने बस उसको जो है प्रैक्टिस की थी, और अगले दिन ही बगैर किसी प्रैक्टिस के वो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास आ जाते हैं। तो एक होता है इनिशियल स्टेप्स में, जब एक दफा आप स्पीच करते हैं तो इतनी झिझक खत्म नहीं होती, दूसरी दफा करते हैं तो भी झिझक अभी रहती है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सही होती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो फिर खौफ आना ही था। तो अभी फिरौन क्या कहते हैं, वक़द अफलह अल्यौमा मन इस्तआला, तहकीक फलाह पा गया आज मन जो इस्तआला गालिब हुआ, जो गालिब होगा वो क्या पा जाएगा, इस्तआला वो फलाह पा जाएगा। तो कालू, उन्होंने कहा या मूसा मूसा, इमा या तो अन ये के तुलकिया तुम डालो, व इमा और या अन ये के नकूना हो हम अव्वला पहले मन अलका जो डाले, या तो पहले तुम डालो या तो बाद में डालो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले नहीं डाला, इसमें भी एक हिकमत थी कि पहले उन सबको वो अपने जोर आजमा ले, अपना गुरूर सामने रखे, फिर जब उनको हकीकत पता चलेगी तो फिर उनके ऊपर तासीर ज्यादा होगी, ठीक है। तो पहले दूसरों को बोलने दिया करें, जब कोई किसी को आपने समझा रहे हो वो आपकी बात ना सुने,
सामने बोलना शुरू कर दे, आप उससे बोलें, वो जब बोल बोल के थक जाए फिर आप अपनी बात उसको समझाएं, देखें वो बात उस पर कितनी असर करेगी। जब आप इकट्ठे दोनों शुरू हो जाते हैं फिर आपकी बात में तासीर नहीं रहती। एक और चीज आपको मिल गई यहाँ पे, कौन कहता है कि कुरान में ये बातें नहीं लिखी? कुरान तो आपको आंखें बंद करना, आपको आंखें झपकना, आपको लफ्ज़ कैसे अदा करने को सिखाता है, कैसे तदब्बुर के साथ। अब आम नजर से वाकया पढ़ेंगे तो ये बातें तो नहीं सीखेंगे, लेकिन देखिए वाकया में आके हम इतनी इतना वक्त गुजारते हैं। वाकया तो जो अल्लाह ने अंबिया के किस्से रखे हैं बार बार बताए, दरअसल अल्लाह हमारी तरबियत करना चाहते हैं। एक एक चीज पर रुक के देखें, अंबिया के लहजों को गौर से देखा करें। अल्लाह ताला ने ना अंबिया के कुछ लहजे कुछ बातें एज इट इज बयान कर दी, क्यों हम लर्न तो करें उनसे। देखिए अब ये एक चीज थी, अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे ना, फिर जो है मुकाबला हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम का अस्तहा सब खा गया, शॉर्ट बात की, अल्लाह ने शॉर्ट बात की लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव। कालू उन्होंने कहा या मूसा मूसा इम्मा या तू अन तुल्किया तुम डालो व इम्मा और या अन ये के नकूना हो हम अव्वल मन अल्का जो पहले डाले। कौला कहा बल अलकु तुम डालो, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दे दिया आप डालो ताकि वो राम सुकून से ठंडे हो फिर उनकी बात को देख सके। फ़ाइदा तो फिर क्या हुआ, हिबालुहुम रस्सियां उनकी व इसी युहुम और लाठियां उनकी युखज्जलु ख्याल डाला गया, यानी जो सहर होता है जादू होता है ना वो लोगों की आंखों पे किया जाता है, इलाही तरफ उसके मिन सेरी उनके जादू की वजह से, यानी जादू की वजह से लोगों का ख्याल बदला। अन्नहा के बेशक वो तस्आ वो दौड़ रही है, दरअसल वो है लाठियां थी लेकिन लोगों की आंखों पे जादू हो गया और लोगों को लगने लगा कि वो सांप है और वो दौड़ने लगे हैं। तो देखिए कितने ज्यादा सांप, अच्छा एक जगह पे कोई एक सांप देखे या दो या तीन देखे तो बड़ा खौफ आता है। मूसा अलैहिस्सलाम जो अभी इनिशियल स्टेप से थे, हालांकि उनके पास मोजज़ा भी था, तो जब सांप बनते हुए उन्होंने देखा तो एक तरह से उनके ऊपर थोड़ा सा खौफ भी पैदा होने लगा और फौरन से उनकी लाठियां डालते ही यहाँ पे क्या आता है, अचानक के लफ्ज से ये समझ में आती है कि जैसे लाठियां डाली साथ ही हरकत करने लगी, यानी पहली प्लानिंग की हुई थी और तैयार थे कि फौरन से मूसा अलैहिस्सलाम को हराया। क्या हुआ, कुलना फाउ जैसा तो महसूस किया फी नफसी अपने दिल में ही फतन खौफ मूसा मूसा ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में खौफ महसूस किया, एक डर आ गया कि अब क्या होगा, इतनी ज्यादा सांप है सामने तो ये मेरा सांप इनका मुकाबला कैसे करेगा। हालांकि यकीन भी था लेकिन इंसान है ना, इससे पता चलता है कि अंबिया भी इंसान होते हैं, उनके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स होती हैं, इंसानों की तरह ही ख्यालात रखते हैं और एहसासात रखते हैं। कहा हमने ला तखफ ना तुम डरो इन्नका अंतल आला बेशक तुम ही गालिब रहोगे। तो खौफ एक नेचुरल चीज है, ठीक है खौफ आ जाता है किसी भी इंसान के साथ, आपने बात करनी हो या बड़े के साथ तो खौफ जो है इंसान को आजिज रखता है, जो बेखौफ हो जाते हैं वो कुछ भी कह देते हैं, तकब्बुर करने लगते हैं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम बेखौफ हो जाते तो उनकी उनकी भी अल्लाह ताला कैफियत ऐसे बयान करते कि मूसा को यकीन था कि मूसा, हालांकि मूसा की अल्लाह ताला ने आजिज़ी बयान की कि मूसा अलैहिस्सलाम देखें अल्लाह के साथ बात करके आए लेकिन फिर भी आजिज है, आजिज़ी इनका खौफ इनकी आजिज़ी है। कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो इतने गालिब आ जाते हैं कि आपको आगे नहीं बढ़ने देते, वो नुकसानदेह होते हैं। हर चीज अदल में प्यारी होती है, अदल अदल बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, अल्लाह को बड़ा पसंद है, तो खौफ हो अदल में। कुलना कहा हमने ला तखफ इन्नका अंतल आला ना तुम डरो बेशक तुम ही गालिब रहोगे। इंशाल्लाह कल देखेंगे कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे गालिब किया। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।